हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ EBS पर्यावरण की क्लासेस। ठीक है, और हमारे क्लास की टाइमिंग जो है वो है 10 बजे। जैसा कि आपको पता है कि हाँ, ये जो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, ये जो आपको प्रोवाइड कराती हूँ इसे, ठीक है, वो जो हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं NCERT के नोट्स जो हैं, ठीक है, हमारी कुछ सीरीज चल रही है कक्षा 4 से NCERT नोट्स EVS के जो हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको मैं कवर करती हूँ। तो आज हमारा कक्षा 5 है, ठीक है, और मैं कवर करने वाली हूँ पार्ट 1, और उसका कुछ पार्ट है, अगला पार्ट जो है अगली वीडियो में होगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है उसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। क्या नाम है पार्ट 1 का? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो इससे जो हमारा पहला पॉइंट बनता है वो है चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं, ठीक है। चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब चींटी आगे आगे चलती है तो एक प्रकार की गंध छोड़ती जाती है, जिससे बाकी चींटियों को रास्ते में पता चलता रहता है, ठीक है। मतलब जब एक चींटी आगे आगे चलती है तो अपने साथ में एक गंध छोड़ती जाती है, जिससे पीछे आने वाली चींटियों को वो गंध मिलती रहती है, वो रास्तों का पता चलता रहता है। इसीलिए सिर्फ उसी गंध को फॉलो करती हुई चलती है सारी चींटियाँ, ठीक है, इसलिए वो एक लाइन में चलती हैं। फिर अगला पॉइंट है, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है। मतलब ऐसा कोई भी ऐसा एक कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा भी गंध से ही अपनी मादा को पहचान लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मच्छर मनुष्य को किस प्रकार कैसे पहचानते हैं। तो मच्छर जो होते हैं मनुष्य को कैसे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं, तलवे की गंध से पहचानते हैं और शरीर की गर्मी से पहचानते हैं, ठीक है। इस तरीके से मच्छर जो हैं मनुष्य को पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने का पता कैसे लग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मलमूत्र से, ठीक है। कुत्ते जो होते हैं दूसरे के मलमूत्र से ही पता कर लेते हैं, उसकी स्मेल से पता कर लेते हैं कि यहाँ कोई दूसरा कुत्ता भी है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चिड़िया की आँखों की पुतली स्थिर रहती है, ठीक है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। क्या है ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिड़िया से लेकर उसकी गर्दन से लेकर, ये क्वेश्चन जरूर 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 फंसता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, चिड़िया जो होती है उसकी जो पुतली जो होती है वो स्थिर रहती है, इसलिए वस्तुओं को अगर देखना होता है तो उसे पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये एक पॉइंट ये चिड़िया से ही है, चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। मतलब चिड़िया एक समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मनुष्य से 4 गुना देखने वाला पक्षी कौन कौन से। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लगभग हर साल पूछा गया है। तो मनुष्य से 4 गुना देखने वाला पक्षी कौन सा है? चील, बाज, चमगादड़, ठीक है। चील, बाज और चमगादड़ जो है वो मनुष्य से 4 गुना देख सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते। मतलब जानवर जो होते हैं वो रंग नहीं पहचान पाते, ज़्यादातर जानवर, सारे के नहीं लेकिन ज़्यादातर जानवर। रात में जगने वाले जानवर, ठीक है, पक्षी वस्तुओं को केवल ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाते हैं। मतलब कि कुछ जानवर जो होते हैं जो रात में जगते हैं, ठीक है, वो अगर वस्तुओं को देखते हैं तो किस कलर में देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। और अगर उदाहरण की बात करते हैं तो वो हो जाता है उल्लू। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, सांप जो है कौन, सांप जो है सुन नहीं पाते, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं, ठीक है। सांप जो होते हैं सुन नहीं पाते, कंपन से ही महसूस करते हैं, ठीक है, ज़मीन के कंपन से। फिर अगला पॉइंट है, कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी जो होते हैं और जानवर जो होते हैं
अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उनके नाम दिए गए हैं, खुशी भय के समय, मतलब खुशी के समय उनकी आवाज़ अलग होगी, भय के समय आवाज़ उनकी अलग होगी। उदाहरण की बात करते हैं तो ये ऐसे जानवर रहेंगे लंगूर, बाघ, चीता आदि। ठीक है, लंगूर, बाघ, चीता आदि। फिर अगला हमारा पॉइंट है ये, अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो अंडमान निकोबार में सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी। कब आई थी? दिसंबर 2004 में आई थी। अभी हमारा पॉइंट निकल के आता है, ये है जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे। ठीक है, और लेकिन सुनामी जब आई थी तो वहाँ के लोग अधिकतर सुरक्षित हो गए थे। सुरक्षित इस तरीके से होते गए थे क्योंकि जानवर जो होते हैं किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से लोगों को पता चल गया और काफ़ी लोग सुरक्षित हो गए। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर उनके सोने की अवधि। ठीक है, कुछ जानवर उनके सोने की अवधि के बारे में बात की गई है। तो जो हमारी छिपकली है, एक सीजन सोती है, एक सीजन जगती है। गाय जो है एक दिन में 4 घंटे सोती है। सांप जो है, पाइथन की बात हो रही है, वो 18 घंटे सोता है। जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है। बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, छिपकली जो है एक सीजन सोती है, एक सीजन जगती है। गाय जो है 24 घंटे में 4 घंटे सोती है। सांप, पाइथन सांप जो है वो 18 घंटे सोता है। जिराफ वो 2 घंटे सोता है। बिल्ली है 12 घंटे सोती है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, मैंने कवर कराए हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बचे हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर कराऊँगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्योतिष सृष्टि को शेयर, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।